इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी और बिहार के नेताओं की मुलाकात खत्म। नीतीश के नेतृत्व में मिले 10 दलों के नेता। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले नीतीश, कहा सभी लोगों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की, सभी ने जाति जनगणना की मांग की। पीएम से मुलाकात के बाद नीतीश ने जताई उम्मीद, कहा पीएम मोदी जातिगत जनगणना की हमारी मांग पर करेंगे विचार। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को राष्ट्रीय हित में जरूरी बताया, कहा जातीय जनगणना से देश के हर आदमी को होगा फायदा, जाति आधारित आंकड़े नहीं तो योजनाएं कैसे बनेंगी। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना का विरोध करने वालों से किया सवाल, पूछा धर्म के आधार पर गणना होती है तो जाति के आधार पर क्यों नहीं, जाति आधारित जनगणना से उन्माद फैलने तक का तर्क गलत। बवाल के बाद सिद्धू ने अपने दोनों सलाहकारों को मिलने के लिए बुलाया पटियाला में सिद्धू के घर मुलाकात। सिद्धू समर्थकों को लेकर कांग्रेस में बढ़ा घमासान, मनीष तिवारी ने कहा जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं समझने वालों को पंजाब कांग्रेस में नहीं होनी चाहिए जगह। सिद्धू के दो सलाहकारों को कैप्टन अमरिंदर की चेतावनी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अनाप शनाप बयान न देने की कड़ी हिदायत दी। सिद्धू के दो सलाहकारों मालविंदर सिंह माली और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने की थी विवादित टिप्पणी, अमरिंदर ने कहा बयानों से अस्थिरता के हालात पैदा हो सकते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अपने सलाहकारों को संवेदनशील मुद्दों पर ना बोलने को कहा, जिन मुद्दों की जानकारी नहीं उन पर चुप रहना बेहतर। अलीगढ़ के अतरौली गांव पहुंचा कल्याण सिंह का पार्थिव देह, सड़क के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग मौजूद, अपने प्रिय नेता की आखिरी झलक पाना चाहते थे समर्थक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अतरौली पहुंचे, खुद अंतिम यात्रा की पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं योगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे अतरौली, कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा कल्याण सिंह का जाना बीजेपी के लिए बड़ी क्षति। अमित शाह ने कहा उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए काम करते रहे कल्याण सिंह, दबे कुचले पिछड़ों ने अपना हित चिंतक खोया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे अतरौली, कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। सुबह 9 बजे अलीगढ़ के स्टेडियम से पैतृक गांव अतरौली के लिए फूलों से सजी हुई गाड़ी में रवाना हुआ पार्थिव देह, लोगों ने लगाए नारे। अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने आखिरी दर्शन किए, कल लखनऊ से लाया गया था पार्थिव देह। कल्याण सिंह के सम्मान में योगी सरकार का बड़ा फैसला, कल्याण सिंह के नाम पर होगा अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा लखनऊ प्रयागराज बुलंदशहर और अलीगढ़ में एक एक सड़क पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर होगी। कल्याण सिंह के निधन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच ने आज अवकाश घोषित किया, यूपी में राजकीय शोक का आज तीसरा दिन। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में दिखा ड्रोन, बीएसएफ के जवानों की फायरिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ भागा ड्रोन। सुबह करीब 5:30 बजे बॉर्डर पर दिखी थी लाल और पीले रंग की रोशनी, बीएसएफ के जवानों ने लाइट मशीन गन से की 25 राउंड फायरिंग, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हुर्रियत गिलानी और मीरवाइज गुटों पर पूर्ण प्रतिबंध की रिपोर्ट आने के बाद एक्शन, हुर्रियत ने श्रीनगर के हैदरपुरा में अपने कार्यालय के साइन बोर्ड हटाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर यूएपीए के तहत लग सकता है बैन, पाकिस्तान में एमबीबीएस की सीटें बेचने और पैसे का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल के सबूत मिलने के बाद हो सकती है कार्रवाई। अफगानिस्तान से और 146 भारतीय पहुंचे दिल्ली, 4 फ्लाइट्स में हुई वापसी, इन्हें पहले काबुल से दोहा किया गया था शिफ्ट। कतर एयरवेज की फ्लाइट से 30, एयर इंडिया की फ्लाइट से 1, इंडिगो की फ्लाइट से 11 और विस्तारा की फ्लाइट से 104 लोग लाए गए भारत, सभी का कराया जा रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट। काबुल से लौटे भारतीयों ने कहा हमें तालिबान के हमले से पहले किया गया था रेस्क्यू, कतर ले जाने में अमेरिकी सेना ने की मदद। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, कहा सिखों और हिंदुओं के साथ हुए बर्ताव से साफ, नागरिकता कानून क्यों था जरूरी। अफगानिस्तान के पंजशीर में लड़ाई तेज, अहमद मसूद की सेना ने तालिबान के 300 लड़ाकों को ढेर करने का किया दावा, तालिबान ने पंजशीर को घेरने के लिए 10,000 लड़ाके भेजे। मसूद शाह का पंजशीर घाटी में तालिबान के सामने सरेंडर से इनकार, कहा तालिबान ने बातचीत से इनकार किया तो युद्ध तय। खुद को तालिबान का राष्ट्रपति होने का दावा करने वाले अमरुल्लाह सालेह ने कहा पंजशीर घाटी के बाद तालिबान के लड़ाके जमा, सालांग हाईवे को किया गया बंद। पंजशीर की तरफ बढ़ते तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस की धमकी, तालिबान को सरेंडर के लिए कुछ घंटों की डेडलाइन दी, शेर के पूंछ से ना खेले तालिबान। अफगान सरकार के पूर्व मंत्री आका शेरजई ने तालिबान से मिलाया हाथ, तालिबान का साथ देने का भरोसा दिलाया।
अशरफ गनी के भाई के बाद नगरहार राज्य के पूर्व गवर्नर गुल आगा शरजई ने भी तालिबान से मिलाया हाथ, सोवियत संघ के खिलाफ लड़ी थी जंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।